शंकराचार्य के चरणों में अपना शीश नवाते हुए प्रधानमंत्री जिन शंकराचार्य ने बहुत ही कम समय में चार धामों की स्थापना की और पूरे सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक दिशा दी, और यही कारण है कि चाहे वो केदारनाथ का मंदिर हो या बद्रीनाथ का मंदिर हो, जिसकी स्थापना में शंकराचार्य जी की दिव्य दृष्टि रही है, वहां पर भगवान के साथ साथ शंकराचार्य का भी पूजन और अर्चन किया जाता है। प्रधानमंत्री महोदय अब मंदिर परिसर में ही मौजूद, इसके बाद यहाँ से थोड़ी ही दूर पर माणा गांव है जहाँ एक पब्लिक रैली का संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई सारी परियोजनाओं जिनकी कीमत बताई जाती है 3400 करोड़ रुपए है, उनका भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का विधिवत सम्मान ये स्मृति चिन्ह है जो प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। सनातन धर्म की आध्यात्मिक चेतना का संवाहक बद्रीनाथ धाम निश्चित रूप से प्रफुल्लित है। यहाँ आसपास के भी लोग जब वो प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित रूप से वो सारे विकास के और कार्य होंगे जिससे रोजगार का अवसर पैदा होगा, जिससे नई व्यवस्थाएं होंगी और पहाड़ के पानी को और पहाड़ की जवानी को धरती पर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री संपूर्ण मंदिर परिसर का अवलोकन करते हुए बद्रीनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह के बाहर धीरे धीरे आते हुए संपूर्ण मंदिर के परिसर के विषय में यहाँ पुजारी से जानकारी प्राप्त करते हुए अंदर भी भगवान के अनेक विभिन्न रूपों में बद्री विशाल के अतिरिक्त जो है अनेक सारे विग्रह हैं जिन पर प्रधानमंत्री अपना सिर नवा रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं, और मुख्य पुजारी के साथ ही बद्री विशाल के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अपनी भक्ति का प्रवाह बनाए रखते हैं प्रधानमंत्री, और यही कारण है कि वो आध्यात्मिक चेतना हमारी संतति का संवाहक होती है,